Hey guys, good morning. Welcome to my new blog. तो अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 10:45 और आज मैं उठ गया था 9 बजे करीब और ये देखो ये भी है थोड़ा जल्दी उठ गया था 10 बजे करीब लेकिन उठते के साथ ही बस इसकी सबसे बुरी आदत है फोन में लग जाता है उठ के ना इसने कुछ भी नहीं किया पानी पिया न टॉयलेट गया ना कुछ भी नहीं यहाँ तक कि ब्रश तक नहीं किया और सीधा ये मोबाइल में लग गया। ये फोन एडिक्शन है क्यों बैंडेज लगा रही थी इसलिए व्हाइट हो गई। वो तो पहले बता तो ये फोन में क्यों लगा हुआ कर क्या रहे थे खेल रहे एक बार दिखाना मेरा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम और यूट्यूब में लगा हुआ है उसे परेशान हो गए सुबह से उठते के साथ ही फोन में लग जाता है ये। तो अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करने उसके लिए निकालते हैं दूध का भगोना फ्रिज में से खुली फ्रिज ओए दादी खुल गई ये निकाला दूध यार फेर न जाए कहां से पकड़ रहा हूँ ओए भाई भारी है इसको ज्यादा ही दूध है अच्छे से पकड़ना पड़ेगा गिर ना जाए गिर गया तो टाटा फिनिश बाय बाय हो जाएगा हमारा क्योंकि दूध गिरने पे बहुत मम्मी डांटती है। कैसे पकड़ रखा है हमारी थोड़ी हेल्प करेंगी माता श्री थोड़ा सा फैला है मिनी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया फोन रख दे ला दोनों हाथों से पकड़ के दूध रखे आए सॉरी थोड़ा सा छलका है ज्यादा नहीं छलका मम्मी देखो छलका है दूध तो छलका है थोड़ा ही छलका है ये शनि की वजह से हुआ दूध फैल गया तेरे वजह से ये नहीं फोन रख दूंगा चीज का डर था वो चीज हो गया गाइस तो भाई हमारे घर में न्यूज़पेपर आने लगा है अब से वो न्यूज़पेपर आना पड़ता हूँ अब से हमने घर में न्यूज़पेपर डलवाना स्टार्ट कर दिया है गाइस ये मैगजीन है सोचा अब से न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे रोज तब से आया करेगा रोज न्यूज़पेपर और आपको दिखाई नहीं अंकल आते कैसे घुमा घुमा के बड़ा फेंक के मारते हैं इसी मुंह फेंक के मारेंगे गाइस अभी जो बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अब मैं भी और सन्नी भी ना चुके हैं और वाइट वाइट पहने हैं दोनों ने और अभी खाना खाते हैं उसके बाद एक प्रॉब्लम आ गई थी साइकिल में वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले हमारे चाचा बाहर बनवा रहे हैं शेविंग नाई मतलब पापा ने भेजा शायद जानता वंत कोई है तो ये यहीं बाहर आए हैं तो अभी चाचा की बना रहे शेविंग लॉकडाउन सारी दुकानें बंद पड़ी है तो यही उनके मतलब कुछ ज्यादा ही बियर्ड थी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी अब इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई हाँ आपने देखा चाचा की दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है दिखा रहा हूँ चाचा एकदम बाहर वाले कमरे बाहर बैठ के वही वही वो करवा रहे दाढ़ी बनवा रहे अपनी और अंकल भी कह रहे थे इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई दिखा दे लोगों को अंकल पता नहीं अंकल जानते हैं लोग ही जानते हैं पता नहीं भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं अभी खाना खाने का टाइम है चाचा कटवाते हैं फिर भैया अपने बाल कटवाएगा तो थोड़े बाल मेरे सर पे लगा दो शनि की शेविंग करवाएंगे अभी इसके बाद खाना खा लेते लेकिन उससे पहले फिर साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है वो भी आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। वैसे अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम खाना खा चुके हैं अब चलते हैं अपनी साइकिल ठीक करवाने के लिए और दिखा दूं साइकिल में क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो पीछे वाला टायर है ये अगर आपको दिख रहा होगा ये तान है ये देखो ये वाली ये टूट चुकी है कैसे टूटी है वो टूटी है इसके ऊपर जो गिर गई थी सुबह निकल कल ऊपर से 5th फ्लोर से एक टाइल और टाइल सीधी आके इसके ऊपर गिरी और ये पूरी की पूरी है देखो ये पूरी टूट गई अब इसका टायर जो है ऐसे ऐसे ही हिल रहा है चलाने में तो चलते हैं इसको ठीक करा के लाते हैं मैं अकेले जाऊंगा क्योंकि एक ही बंदा जा सकता है दो बंदे बैठने सीट नहीं है तो आई होप कि साइकिल ठीक हो जाए क्योंकि लॉकडाउन है तो इतने ज्यादा शॉप जो खुल नहीं रही है ढूंढनी बहुत पड़ेगी दुकानें। हे गाइस टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:30 और हमारी जो साइकिल है उसका नाम रॉकेट रख रखा है दिखनी अंधेरे में और यहाँ भैया नीचे बैठ के दूध पी रहे दूध और ब्रेड साइकिल दिखाता हूँ वो ठीक हो नहीं पाई अंधेरा हो गया थोड़ा देखो ये हमारी रॉकेट बिल्कुल ठीक नहीं पाई और बाहर एक साइकिल और है मेरी रेड कलर की सामने पहले पुराने ब्लॉग में देखा होगा उसका नाम मैंने रख रखा है क्या रख रखा है पता है कट्टो गिलहरी और गाइस और आपको यहाँ किचन से मिलवाते हैं मम्मी से मिलवाते हैं तो मम्मी यहाँ बना के दाल कैसा लग रहा है दाल बनाकर दाल अच्छी है कैसा लग रहा है दाल बना के भी कैसा लगता है खाने वालों को अच्छी लगनी चाहिए एक टाइम दाल तो बननी चाहिए आपको वो ले रहा हूँ पिए नहीं मतलब जो भी कहते हैं आपको दाल बना के कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बुरा लग रहा फिर दाल चावल बनाते भिंडी सब्जी बनाते
दाल दाल बन गई है, ये सब्जी बनाने जा रही, थोड़ी थोड़ी कौन सी सब्जी, वो तुम खाओगे नहीं दाल के साथ करेले, करेले तो नहीं, थोड़ा थोड़ा चावल बनाए हैं। तो गाइस ये मेरी कटोरी रेड वाली, ये हमारी रॉकेट जो नहीं ली थी मैंने, सही एकदम खड़ी इनने साथ है, उस टाइम टाइम नहीं गिरती ना तो ये कांड नहीं होता, ये सीन पूरा क्रिएट नहीं होता इतना बड़ा जो हो गया है। साइकिल भाई, साइकिल चला रहा था, उसका पहिया है ना ये लैग खा रहा है, मेन प्रॉब्लम। भैया क्या लग रहा है, तो साइकिल ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है साइकिल ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी? ऐसे मुंडी ला, हाँ करना तो नीचे ऊपर नीचे मुंडी, ना करना तो इधर उधर। कैसी शादी में जाओ, खाना खाओ, कैमरा मैन तुम्हारे पास कैमरा, बता तो मुंडी हाँ है ना, साइकिल ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, गाइस अभी तो वैसे गाइस लॉकडाउन लगा पड़ा है, एक तारीख को लोग कह रहे हैं लॉकडाउन खुल जाएगा, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता ना भाई, मेरे मुंह से तो कैमरा हटा खाने तो। मैंने भैया पे प्रैंक करा था, चूहा चूहा आज घर में असली का चूहा आ चुका है, मम्मी भैया सब ढूंढने में लगे, पता नहीं बहुत बड़ा चूहा है इधर, ये सिलेंडर के पास गया, देखो बाल्टी घुस गया, हाँ बाल्टी में देखो, बाल्टी निकालो नहीं डिब्बा उठा, ध्यान नहीं आया इसके नीचे आया था मैंने, बहुत धीरे धीरे चला, बहुत धीरे धीरे कुछ खा पी के आया था मोटर साइकिल में, ये यहाँ से इस दिन मैंने लगाई थी, ये फिर काट दी इसमें, ये एक ढाई है साला, एकदम अंदर से निकल आया है ना, हाँ अंदर से निकल आया, ऐसे नहीं कहीं अंदर हो, चूहा देखा कितना बड़ा था, कितना बड़ा चूहा था, यहाँ से गया, फिर इसके यहाँ से, दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आज जो ज्यादा टाइम जो है साइकिल की जो है शॉप ढूंढने में लग गया, मतलब 2-3 घंटे में शॉप ढूंढता रहा कि साइकिल कोई शॉप खुली हो जिससे साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन कोई भी शॉप नहीं खुली थी, लॉकडाउन था, तो आई होप आगे 2-3 दिन में जल्दी खुल जाए, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत लूडो खेला और एंड में हमारे घर में चूहा घुस आया था, उसको हमने बाहर भगा दिया, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।